I am back with my class 10 drawer paintings. This side Garima Mangal. Hope you remember. आज जो हम पेंटिंग शुरू करेंगे वो हम ग्लास टेंजोर पेंटिंग एक बिगनर्स के लिए यूज़ करेंगे, जो कि एक छोटे बच्चे से लेकर के एक दो बड़े लोग भी, जो कि पेंटिंग्स के बारे में ए टू जेड ए भी नहीं जानते हैं, वो भी ये पेंटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं. सो आज हम बनाएंगे एक छोटे से गणेशा, क्योंकि गणेशा से शुरुआत करना, कहते हैं ना कि एनी थिंग स्टार्ट विद द गणेशा, शुभ शुभ चीज़ कोई भी शुरू करो गणेश जी सबसे पहले. सो आज हम एक गणेशा की पेंटिंग लेंगे. और फॉर द बिगनर्स, अगर आपके पास ग्लास नहीं है, आप ग्लास हैंडल करने में डर रहे हो, नो इश्यूज़. आप एक काम करिए, आपके पास फाइल कवर्स होंगे, आपके पास सेलिफेंस होंगी, थिक सेलिफेंस आती हैं मार्केट में, मोटी सेलिफेंस होती हैं जिनसे हम अपने बुक्स, बच्चों की शीट्स वगैरह कवर करते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं. जैसे कि मैंने भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट इसलिए ली है कि आपको ये ना लगे कि मैंने तो आपको ग्लास में बताया था और आप उसे ट्रांसपेरेंट शीट पर नहीं कर पा रहे हैं. सो द प्रोसेस इज़, सबसे पहले हम कोई भी फोटोकॉपी ले करके, जैसे मैंने यहाँ पे गणेशा की फोटोकॉपी ली है, उसको सिंपली रैप कर लेंगे गणेशा के साथ. उसको रैप करके, जिससे कि जो भी पेंटिंग है वो टाइटली रैप करेंगे कि गणेशा आपके चारों तरफ से उस सेलिफेन से रैप हो जाने चाहिए. द फर्स्ट प्रोसेस जो आज हम शुरू करेंगे वो हम अपने वही मेन टेक्निक से शुरू करेंगे, दैट इज द लाइनर वर्क. सो लेट्स स्टार्ट विद योर पेंटिंग. सो द फर्स्ट थिंग इज वील पेस्ट अ पिक्चर ऑन द ग्लास. सबसे पहले हम एक पिक्चर लेकर के एक ग्लास पे पेस्ट कर लेंगे. सिंपली आई एम यूजिंग द ग्लास लाइनर्स विच इज कैमलिन ग्लास लाइनर्स. So the first thing is we'll outline the whole picture. Just simply do outlining. आपको क्या करना है, simple outlining करनी है पूरे picture की. अगर आपका हाथ smooth नहीं है तो पहले एक practice कर लीजिए rough paper पे, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ अब मेरा हाथ सही से चल रहा है, तो यू कैन डू इट ऑन द फाइनल पेज. एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, कर्वी लाइंस बनाइए एंड डू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ थिंग्स ऑन अ पेपर. नाउ सिंपली डू द आउटलाइनिंग ऑफ गणेशा. एज यू कैन सी आई हैव टेकन मेटालिक गोल्ड to do the outlining of Ganesha. ग्लास से काम करना इसलिए भी इजी होता है कि अगर कोई गलती हो जाती है या कुछ भी गलत बन जाता है, आप सिंपली ब्लेड से उसे रब कर सकते हो. सो नाउ यू कैन सी आई एम डूइंग द आउटलाइनिंग of the entire painting which you can see. शुरुआत में एक हल्की painting से शुरुआत कीजिए, जिसमें ज़्यादा outlining आपको ना करनी पड़े. As you can see, body का, face, full clothing, crown, I am doing it with metallic. इस तरीके से गोल्ड लाइनर के थ्रू आपने पूरी बॉडी गणेश जी की आउटलाइनिंग करनी है.
कहीं भी आपको लगे कि आपका लाइनर खराब हो रहा है, सिंपली ब्लेड लीजिए और उसको इरेज कर दीजिए। नो इश्यूज, आप वापस से कर सकते हैं उसमें। जब भी हम बॉडी की आउटलाइनिंग करते हैं तो हमें थिक लाइनिंग देनी होती है, हम सॉफ्ट लाइनिंग नहीं दे सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि जब इसमें कलर फिलिंग होएगा तो वो उभर के आएगी पूरी बॉडी। सो नाउ आई एम डूइंग द आईज, मैंने आईज की आईब्रो फिलिंग कर दी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने लाइनर का इस्तेमाल करते हुए उसकी फिलिंग करी है। टेंजोर पेंटिंग में आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। नॉट ऑन ग्लास, यू कैन टेक अ शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट्स इन विच यू कैन ड्रॉ, इवन आप अपने फर्नीचर की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। टू मैनी आइडियाज टू डू द, वंस यू नो हाउ टू डू द टेंजोर वर्क यू कैन यूज दिस टेक्निक इन डिफरेंट वेज। सो हियर माय लाइनर वर्क इज फिनिश्ड। As you can see, so you can see that our liner work is already completed. We leave it for half an hour or more than that for an hour to just to dry it. Till the time आपका liner सूख नहीं जाता, आप इस पे coloring start नहीं करेंगे. So आज आपने जो main important work था, that is the liner work, आज हमने वो पेंटिंग का लाइनर वर्क ख़त्म किया है, जिसमें कि हमको 2 से 3 घंटे का हमें टाइम चाहिए होता है जिससे कि वो टोटली ड्राइड अप हो जाए और फिर हम उसके ऊपर कलरिंग का पार्ट करेंगे। सो माय सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी कंटेनिंग कि हम ग्लास कलरिंग किस तरीके से हम करेंगे। सो इफ यू लाइक, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।